गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। और गाइस आज ब्लॉग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस मैं अभी दिखा रही हूँ गाइस ना, बहुत रात में अंधड़ पानी आया था, इसी वजह से ना जो बाहर में चूल्हा वगैरह भी था गाइस, और इतना तेज़ हवा आंधी बारिश आई थी तो मैं अंदर नहीं कर पाई थी। आप लोग देख सकते हैं गाइस बाहर अभी जो घास वगैरह है, यानी पूरा भींगा भींगा लग रहा है। और सुबह हुआ था तो मैं ना चूल्हा जलाने वाली थी, पर ना लकड़ी वगैरह भी सारे भींग चुके थे, और इसी वजह से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ गाइस कि जो बोर्ड था धूप में डाली थी सूखने के लिए, तो ना रात में मैं बाहर में ही छोड़ दी थी और यानी भूल गई थी गाइस अंदर लाने के लिए। इतना ज़्यादा काम रहता है कि याद ही नहीं पड़ा कि बोर्ड को अंदर करना है, पर ना रात में 12 से 1 बजे के बीच ना अचानक बहुत तेज़ आंधी आई, और ना पूरा इतना तेज़ आंधी आई थी गाइस, और हम लोग ना सोए हुए थे, पर ना आवाज़ आई कि आंधी आ गई है ना, तो मैं फट से दरवाज़ा खोल के बाहर आई और देखी बाहर में गाइस इतना तेज़ आंधी तूफान कि एकदम मेरा ना डर जैसा लग गया था कि कहीं कोई पेड़ टूट के ना गिर जाए। पर ना कपड़े वगैरह भी, कुछ कपड़े बाहर में ही थे तो वही मैं उतार के अंदर लेके गई, और बोर्ड वगैरह भी जल्दी जल्दी अंदर की हूँ। और आप लोग देख सकते हैं गाइस आंगन में कितना ज़्यादा पत्ता वगैरह भी जमा हो गया, यानी इतना तेज़ आंधी तूफान आया था गाइस रात में। अगर दिन में रहता ना आंधी तूफान तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि सारे लोग तो बाहर में ही रहते हैं दिन में, और रात में तो बहुत लोग सोए हुए थे गाइस, इसी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। यानी आंधी आया था इतना तेज कि डर लग रहा था गाइस, तो इसी वजह से मेरा आंगन में ना बहुत ज़्यादा पत्ता वगैरह देख सकते हैं कि एकदम जैसे कि ना लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है, लग रहा है कि जैसे जंगल है। और इसी वजह से मैं ना चूल्हा भी जला ली हूँ, और चूल्हा जला के उसके बाद ना झाड़ू लगा ले रही हूँ, और देख सकते हैं गाइस पूरा मेरा आंगन में इतना ज़्यादा पत्ता है, यानी जितना जो पेड़ में था लग रहा था कि सारा टूट के नीचे गिर चुका है, यानी बहुत ज़्यादा पत्ता है। तो इसी वजह से मैंने अभी सुबह सुबह झाड़ू लगा ले रही हूँ, और झाड़ू लग जाएगा और झाड़ू लग जाएगा गाइस, तो अंदर का भी झाड़ू लगाना बाकी है। और गाइस रात में ना इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था आधी रात को, इसी वजह से ना बहुत जो लाइन वगैरह है गाइस, यानी रात में लाइन कट गया था और गर्मी में ही सोना पड़ा, यानी इतना तेज़ आंधी तूफान बारिश और गर्जन के साथ आई थी, यानी बहुत तेज़ आंधी तूफान और गर्जन के साथ गड़गड़ाहट के साथ बारिश हो रही थी गाइस, और बहुत तेज़ आंधी भी आई थी और गर्जन भी बहुत तेज़ हो रही थी। इसी वजह से ना जो हम लोग का घर में लाइन है गाइस, यानी करंट कट गया था आधी रात को ही, और हम लोग को ना रात भर अंधेरे में ही रहना पड़ा और बिना पंखा का ही सोना पड़ा गाइस। और रात में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ना गर्मी का मौसम है और हम लोग का घर जो है गाइस अल्बेस्टर का है, तो गर्मी बहुत तेज़ लगती है इसमें बिना पंखा के, तो रात में लाइन जो नहीं था गाइस, इसी वजह से बहुत दिक्कत हुई रात में, और सुबह में भी लाइन नहीं था, इसी वजह से झाड़ू लगाने में भी दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि लाइन नहीं रहता गाइस तो घर में बहुत ज़्यादा अंधेला वगैरह भी हो जाता है। और यही कपड़ा था गाइस रात में, यानी बाबू का कपड़ा बाहर में ही था, क्योंकि शाम को ही धोया था तो बाहर में ही था कपड़ा गाइस, तो इधर ही था, इसी वजह से मैं रात में नहीं उतारी थी। पर ना आधी रात को इतना तेज़ आंधी बारिश आई थी, तो रात में ही तुरंत उठ के मैं बाहर आके तुरंत सारे कपड़े अंदर करके उसके बाद ना जो बोर्ड वगैरह था सारा अंदर की हूँ जल्दी जल्दी। और बाहर में ना इतना भी डर भी लग रहा था गाइस, क्योंकि ना इतना तेज़ आंधी तूफान था,
तो देखिए गाइस, मेरा ना अभी बाहर का काम हो चुका और अभी आ गई हूँ मैं अंदर। और आप लोग देख सकते हैं कि अंदर कितना अंधेरा है। यानी रात में जो आंधी तूफान आई थी गाइस, उसकी वजह से ना आधी रात को ही लाइन कट चुका था और अंधेरे में ही सोना पड़ा, गर्मी में ही सोना पड़ा हम लोगों को। और इतना मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि पंखा तो लाइन के बिना चलेगा ही नहीं। इसी वजह से रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हम लोगों को। और बिस्तर का घर है गैस, तो और भी गर्मी लग रही थी, क्योंकि पानी तो ज़्यादा देर तक गिरा नहीं था। आधा से एक घंटा या डेढ़ घंटा पानी गिरा होगा और सिर्फ आंधी ही तूफान था। उसके बाद लाइन कट गई, लाइन कटने के बाद पानी भी छूट गया गैस। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा और लाइन नहीं रहने के कारण पंखा भी नहीं चल रही थी, तो रात में हम लोगों को ना बहुत दिक्कत हुई। इसी वजह से मैं सुबह ही उठी थी, पर ना नींद नहीं पूरा हुआ था गैस। इसी वजह से ना काम करने का मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती है गैस तो कुछ भी काम करने में फुर्ती नहीं लगती है। तो देखिए गैस, मैं ना सारे बोर्ड को अभी रख दी हूँ, क्योंकि अभी इसका सामान नहीं लाई हूँ। यानी जो रिपेयर का सामान है गैस, जो होता है सेलो टेप कब्जे, सब कुछ नहीं लाई हूँ, क्योंकि जहाँ पर मिलता है अभी नहीं गई हूँ। तो इसी वजह से अभी बोर्ड को रख दी हूँ अंदर और अभी यहाँ लगा ले रही हूँ झाड़ू। और सामान ला लूँगी तब फिर बोर्ड को रिपेयर करूँगी। इसी वजह से अभी अंदर रख दी हूँ साफ़ करके। और मेरा अंदर का रूम झाड़ू पानी हो गया था, यानी जो तीनों रूम का झाड़ू मेरा हो गया था। और अभी लगा ले रही हूँ बाहर का झाड़ू बरामदा का, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इसी वजह से उधर जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ली हूँ। मोबाइल जो होता है गाइस, टॉर्च जला के, वही जला के मैं अंदर झाड़ू लगा ली हूँ। और अभी पोछा भी लगाना बाकी है, पर अभी अंदर का झाड़ू हो गया था, इसी वजह से मैं यहाँ बरामदा का झाड़ू लगा ले रही हूँ। और अंदर में ना थोड़ी सी जो होता है गाइस, बेड वगैरह थोड़ा सा उलट पलट की हूँ, इसी वजह से ना यहाँ पे बरामदे में बॉक्स वगैरह रख दी हूँ, क्योंकि ना अंदर की रूम थोड़ा सा खाली की हूँ। और जहाँ पे हम लोग सोते हैं गैस, वहाँ पे दो ठो चौके रख दिए हैं। और वहाँ पे जिधर मेरा बॉक्स रखा हुआ था, वहाँ पे ड्रेसिंग आईना रख दिए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ही अभी बॉक्स वगैरह यहीं पे रख दिए हैं गैस, क्योंकि ना अंदर का जो पक्का है गैस टूट चुका है, तो इसी वजह से अभी रूम को खाली किए हैं हल्का फुल्का। और खाली हो गया है तो बन जाएगा, फिर अंदर कर लेंगे। उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था गैस, खाना वगैरह भी बन चुका था मेरा। यानी ज़्यादा कुछ नहीं, आज संडे था इसी वजह से ज़्यादा कुछ बनाए नहीं थे। और आज आंगनबाड़ी भी जानी नहीं थी, क्योंकि आंगनबाड़ी आज छुट्टी थी। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि गर्मी का मौसम आ गया है, तो जो मोटे कंबल हैं गैस और जो होते हैं गर्म कपड़े, वो सब सारा मैं धो ले रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं गैस, इतना भारी रजाई है कि हाथ से धोए यानी नहीं धुलेगा मेरा से, क्योंकि बहुत भारी था। और सूखा में ही इतना भारी रहती है गैस, तो पानी लगने से और भी भारी हो जाता है। इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं मैं टप में सर्फ घोल के और उसके बाद यहाँ पे डाल दी हूँ रजाई को, और पैर से ही इसको उलट पलट करके पैर से ही धो ले रहे हैं, क्योंकि ना इतना मोटा कंबल वगैरह जो रजाई है यानी मशीन में धुलेगा ही नहीं। इसी वजह से जो बड़ा वाला टप है गैस, यानी जो बड़ा टप मैं खरीदी हूँ, सिर्फ इसी के लिए खरीदी हूँ गैस, क्योंकि इसमें ना सर्फ डाल के उसके बाद डाल देते हैं, जो फूल जाता है गैस, यानी जो मैल वगैरह है यानी फूल जाता है, उसके बाद पैर से उलट पलट करके इसमें धो लेती हूँ। और इसी में भी खंगला जाता है, क्योंकि ना इतना भारी कंबल वगैरह रजाई वगैरह है, तो हाथ से नहीं धुल पाएगा गैस, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ, पर मजबूरी है, उठा के रखना ही है। और यहाँ पे कुर्सी में अभी रख देंगे ना, तो थोड़ा बहुत जो पानी इसमें गर जाएगा तभी इसको डालूँगी सूखने के लिए, क्योंकि अभी मेरा से उठ नहीं रहा है गैस इतना ऊपर, तो ऊपर कहाँ से उठेगा। इसी वजह से मैं अभी कुर्सी में डाल दी हूँ और पानी गर जाएगा, उसके बाद इसको दीवार में टांग देंगे सूखने के लिए। और अभी मैं दूसरा रजाई डाल दी हूँ फूलने के लिए, और ये फूल चुका है, तो इसी वजह से इसको भी पैर से उलट पलट करके खंगाल दे रही हूँ।
तो देखिए गाइस, मेरा दूसरा रजाई भी धुल चुका है, यानी गर्मी आ गया है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि अगले दिन भी धोई थी, तो आज जितना सारा बचा हुआ मेरा रजाई है, कंबल है, आज सारे कंबल धो लूँगी, क्योंकि पर डे तो उतना टाइम नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि आंगनबाड़ी रहती है और बहुत सारे काम भी होते हैं। इसी वजह से आज ही सोच रही थी कि जितने सारे यानी गर्म कपड़े जितने हैं, रजाई और कंबल, आज सारे धो लूँगी, क्योंकि आज ही टाइम मिला है, संडे है, तो आज कहीं जाना भी नहीं है और आज छुट्टी भी है। इसी वजह से आज ही सारे जो गर्म कपड़े हैं आज ही धो लूँगी। तो देखिएगा, इसमें अभी डाल दी हूँ तीसरा रजाई और यहाँ पे मैं फिर से पैर से धो ले रही हूँ। और ना इतना भारी रजाई था गाइस, क्योंकि धोते धोते और पैर से इस तरह से उलट पलट करते करते मेरा पैर दर्द होने लगा था, क्योंकि इतना भारी रजाई है गाइस, मैंने उठ भी नहीं रहा था, पर धोना भी मजबूरी है, मशीन वगैरह है नहीं, इसी वजह से मैं पैर से ही धो ले रही हूँ। और पैर से इतना ज़्यादा मोटा मोटा कंबल उलट पलट करके धोते धोते मेरा पैर में भी दर्द होने लगी थी, और इतना भारी कंबल वगैरह उठाते उठाते मैं हाँफ चुकी थी गैस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था, उठ भी नहीं रहा था, पर उठाना भी मजबूरी है, क्योंकि श्रद्धा के पापा यहाँ पे नहीं हैं, वैसे रहते हैं गैस, तो ना खंगाल वगैरह दे देते हैं, खंगाल देते जो भारी भारी कंबल वगैरह रहते हैं, रजाई वगैरह, तो धो देते हैं, और मैं छोटा छोटा कपड़ा वगैरह ही धोती हूँ, पर है नहीं तो मजबूरी है, धोना ही हम ही को पड़ेगा इसी वजह से। तो देख सकते हैं गैस, मेरा जितना भी चारों था रजाई वगैरह भारी भारी मेरा धुल चुका है, और मैं देख ले रही हूँ कि पानी गर चुका है, पर अभी भी इसमें पानी था, इस वजह से अभी इसको सूखने के लिए नहीं डालूँगी। और ये नीचे भी एक ठोर रजा है गैस, और कपड़ा भी मैं निकाल ली हूँ नहाने के लिए, और अभी छोटे वाले कपड़े जो है, छोटा छोटा कपड़ा भी बाकी है धोना, उसके बाद धुल जाएगा तब नहा लूँगी। तो गाइस, मेरा सारा काम हो चुका था, यानी कपड़े वगैरह धुल चुके थे और मैं भींग चुकी थी, इसी वजह से मैं सुबह ही नहा के अगरबत्ती वगैरह जला ले रही हूँ। आज कुछ भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि रात से ही लाइन नहीं था, इसी वजह से घर में भी काम करने में मन नहीं लग रहा था। तो आज का ब्लॉग तो बस इतना ही है गाइस, सपोर्ट कीजिएगा।